हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आपके सामने बहुत ही शानदार चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस की जो भी हमारी वैकेंसियाँ हैं जो 2023 की आने वाली हैं उसी के बारे में ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो में सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इनके नए अपडेट्स हैं, ये वैकेंसी कब तक आएगी, पदों की संख्या क्या हो सकती है। ये सारे बहुत सारे आप लोगों के मन में सवाल होंगे, सारे सवालों का आपका जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग बहुत ही एक लंबे समय के साथ साथ आप लोग बहुत ही इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी जल्दी आएगी। जैसा कि एक बार चर्चा में आया था कि नवंबर 2022 में वैकेंसी आने के जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, और वहाँ पे बताया जा रहा था कि सभी लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि वैकेंसी लगभग वहाँ पर होगी 31,000 या 29,000 या 30,000 के करीब की वैकेंसी होगी यूपी पुलिस में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है अब जाहिर सी बात है कि कुछ वैकेंसियाँ और भी अधिक आएंगी, ठीक है। यानी कि दिन बढ़ने के साथ साथ भी वैकेंसी भी क्या हो जा रही है, आपको अधिक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। तो उन सारी चीज़ों को और जो भी हमारे पास क्या बेटर स्ट्रेटजी होगी आगे की आप प्रिपरेशन के लिए वो सारी भी चर्चाएं की जाएंगी आपके साथ, और क्या हमारे पास सेफ स्कोर होंगे उसकी भी बात की जाएगी। उससे पहले आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि जो आप लोगों की क्या क्या बुक्स आप लोग पढ़ें या फिर कैसे प्रिपरेशन को करें, क्या आपकी रणनीति होगी, आपको जो भी हमारे पास एग्जाम को क्वालिफाई क्रैक करने की या क्वालिफाई करने की या फिर आपको सिलेक्शन लेने की जो भी रणनीति होगी उन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि जो हमारे पास यूपी पुलिस का जो 2023 की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो लेटेस्ट अपडेट क्या है, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम आप लोगों से ये बात कर रहे हैं कि लगभग जो टेंडर वाली प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है, और आप लोगों को जो ये लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें तो ये वैकेंसी जल्दी ही आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। आजकल देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी वैकेंसी आ रही है और बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोसेस क्या है फास्ट हो चुके हैं, और आप लोगों का मान लो अगर फॉर्म अगर जल्दी आ रहा है तो जल्दी से आप लोगों के एग्जाम भी हो जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि प्रोसेस बहुत समय लग जाता था कि फॉर्म भर गया और उसके बाद साल भर 6 महीने बाद आप लोगों के एग्जाम होते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल चीज़ें परिवर्तित हो चुकी हैं, आपको भी अपने अंदर परिवर्तन करना ही पड़ेगा तभी चीज़ें आप लोगों के लिए बेटर टू बेटर हो सकती हैं। यानी कि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो हमारे पास टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ये लगभग वैकेंसी आप लोगों को 35,000 से प्लस की वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, यानी कि 35,000 से प्लस, यानी कि 35,000 पोस्ट आप लोगों को जो यूपी पुलिस में खाली होने का वैकेंसी होने के चांसेस बताए जा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे एग्जाम की बात की जाए, एग्जाम के जो टेंडर कराएंगे, जो एग्जाम करवाएंगे, जो जो एजेंसी करवाएगी वो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को एक देखना होगा कि हमारे पास कब तक वैकेंसी आएगी। वैकेंसी का नोटिफिकेशन की बात की जा रही है, ठीक, वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल सकता है, और ये उम्मीद की जा रही है कि जून मंथ के एंड तक आप लोगों को इसकी प्रक्रिया जो हमारे पास नोटिफिकेशन आने के पॉसिबिलिटी हैं, और जैसे ही आप लोगों को जून में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा यानी कि फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों को इसके जो भी फॉर्म में भरने में जो भी देरी लगेगी उसके बाद 1-2 महीने के अंदर ही आप लोगों के 1-2 महीने में आप लोगों के पेपर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। आजकल पेपर करवाने की प्रक्रिया जो है थोड़ा सा फास्ट हो चुकी है, आप लोगों को भी स्मार्ट वर्क करना होगा, अभी से प्रिपरेशन में जुड़ना होगा, और वो प्रिपरेशन कैसी करनी है आप लोगों को हम बताएंगे कि किस हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है और क्या क्या बुक्स को फॉलो करना होगा, सारी चीज़ों को आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास वैकेंसी की संख्या की बात की जा रही थी, वैकेंसी की संख्या आप लोगों को बता चुके हैं ऑलरेडी कि 35,000 प्लस आप लोगों की वैकेंसी की संख्या होगी, ठीक है। तैयारी की रणनीति की बात करते हैं कि तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, तैयारी की रणनीति यही होनी चाहिए कि आप लोग अभी से क्या करें, लग जाए बिल्कुल, ठीक है। आपको जो हमारा YouTube चैनल परीक्षा वाला है और इस पे सारे जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर हम प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, और YouTube पर हम सारी क्लासेस लगभग लिए हैं, और हमारे पास प्रेजेंट की बात पर करें तो यूपी कांस्टेबल की जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसकी सीरीज चलाई जा रही है, आप लोग उसको सीरीज को
हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप लोग प्लेलिस्ट से जा करके देखें और अपनी रणनीति बना करके रखें कि हम लोगों को पेपर में कैसे फॉलो करना है, क्या चीज़ें फॉलो करना है और कैसे हम आप लोगों को फॉलो करके सिलेक्शन की तरफ लेके चलेंगे, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है, रणनीति आपको ये चीज़ रखना होगा कि जो भी चीज़ें करना है अभी से आप लोग करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन देखने की बात है कि ये जो हमारे पास वैकेंसी के जो टेंडर्स दिए जाएंगे वो उन सारे प्रोसीजर के बाद यहाँ से निकल करके आएगा कि क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो एज रिलैक्सेशन बिल्कुल दिया जाना चाहिए। ठीक, रही बात, अब हमारे पास बुक्स की बात आ गई। अब बुक्स के बारे में हम लोग देखें, यानी कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास बुक्स प्रेजेंट की अगर बात करें तो आप लोग, आप तो तैयारी किए ही होंगे और उसके अनुसार आप लोग देखें कि जो हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डाली जाएगी आपको प्रिपरेशन के माध्यम जो भी प्रोवाइड हो सकते हैं सारे हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए बेटर होंगी उसको हम बेटर टू बेटर करके देंगे और आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें। ठीक है, यानी कि प्लेलिस्ट आप लोगों को नीचे दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को बनाएं। ठीक है, बुक्स की बात रह गई तो बुक्स में आप लोग एक कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लोग ले लीजिएगा मार्केट से, एक दो अभी समय है, प्रैक्टिस सेट लेकर के आप लोग इसको सॉल्व करें। और यहाँ पर देखिएगा कि सेफ स्कोर की बात की जा रही है। सेफ स्कोर के लिए देखिए आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारे पास क्वेश्चन कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। आप लोग अगर 110 क्वेश्चन या फिर 115 क्वेश्चन आप लोग अगर सिक्योर कर लेते हैं तो चांसेस आप लोगों के सेफ स्कोर में होंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग सेफ माने जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सबसे बड़ी चीज हमारे लिए क्या है कि आप लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है। आप लोग अगर बहुत ही लंबे समय के साथ इंतजार कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी करना होगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग कर दें, और आप लोग स्ट्रांग करने के साथ साथ आप लोग यूट्यूब चैनल हमारे परीक्षा वाला के साथ साथ जुड़े और वहां से आप लोगों को जो भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस सेट को करें। और आप लोग निश्चित रूप से आप लोगों को बता दें कि आप लोग निश्चित ही आप लोग सफलता पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारे पास और आज हम लोग इसकी बात कर ली है कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है कब तक आएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप लोग इसको वीडियो को देखें और अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। जो भी हमारे पास प्लेलिस्ट है हम आप लोगों को इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग डाल देंगे और आप लोग वहाँ से देख करके अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। धन्यवाद।